हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके एग्जाम क्रैकर। मैं विष्णु दत्त शर्मा एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट, एक इम्पोर्टेंट नोटिस या फिर आप इसको एक खुशखबरी भी बोल सकते हैं, वो शेयर करने वाला हूं। फ्रेंड्स, ये जो नोटिस है ये SSC CHSL 2018 के एग्ज़ाम से रिलेटेड है, वो मैं अभी आपको कंप्लीट नोटिस दिखाने वाला हूँ, उसमें क्या इम्पोर्टेंट अपडेट है वो बताने वाला हूँ। अगर आपको कंप्लीट अपडेट जाननी है तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर एक अपडेट, हर एक वीडियो का जल्द ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इस ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपके लिए जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उनके सिलेबस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर्स हैं वो लेकर आता हूँ। ये वीडियो लेक्चर सभी के लिए फ्री वीडियो लेक्चर्स होते हैं, इसलिए अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो करें और यहाँ पर जो वीडियो लेक्चर्स हम डालते हैं आप उनको इंजॉय करें। और फ्रेंड्स, तो आते हैं अब आज का जो इम्पोर्टेंट नोटिस है उस पर। फ्रेंड्स, जो SSC ने एक इम्पोर्टेंट नोटिस डाला है अभी लेटेस्ट में ही, हम उसको अभी बताते हैं। देखिए, जो ये SSC CHSL 2018 का एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड ये नोटिस है। इसमें देखिए, जो UFM का मीनिंग क्या होता है, अनफेयर मीन्स। देखिए, कुछ कैंडिडेट्स पर अनफेयर मीन्स का केस SSC ने डाला था और उनको डिसक्वालीफाई कर दिया था। जो SSC CHSL 2018 का जो Tier 2 पेपर था डिस्क्रिप्टिव, उसमें उनको डिसक्वालीफाई किया गया था, तो उससे रिलेटेड ये नोटिस है। अभी जो करंट में UFM का केस हटा लिया गया है और उन कैंडिडेट्स के लिए एक खुशखबरी है ये। तो ये नोटिस के मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ आपको। देखिए, जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया SSC ने ये CHSL 2018 का, वो 29/9/2019 को किया था और 20/2/2020 को इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया था SSC ने। तो उसमें इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने फिर Tier 2 भी कंडक्ट किया इसका, जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में इन्होंने 4,560 कैंडिडेट्स को डिसक्वालीफाई कर दिया। किस ग्राउंड पे? अनफेयर मीन्स के ग्राउंड पे। ओके, तो इन कैंडिडेट्स ने क्या किया बाद में, इन्होंने SSC पर केस कर दिया। ओके, जो कि केस हुआ था और उसमें SSC ने इस केस की जांच के लिए 21/5/2020 को एक कमेटी गठित की थी। ओके, तो अभी उस कमेटी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। तो उसके अकॉर्डिंग जो Tier 2 के ये 4,560 कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर से ये केस हटा लिया गया है और उनको दोबारा से वन टाइम मोर एक मौका दिया गया है, एक बार और उनसे, यानी वो उनका अभी रिजल्ट रिवाइज होगा। ये लिखा है SSC ने, 4,560 जो कैंडिडेट्स हैं उनका रिजल्ट प्रोसेसिंग में है और अभी दोबारा से इनका रिजल्ट, रिवाइज रिजल्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट नोटिस था SSC का लेटेस्ट, ये सभी कैंडिडेट्स के लिए खुशखबरी है। उनको दोबारा से मौका दिया जा रहा है, उनका फिर बाद में स्किल टेस्ट लिया जाएगा और फिर बाद में जो 18 का रिजल्ट है CHSL 2018 का, वो डिक्लेयर किया जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स, ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन था, जो कि ये डेट भी दी गई है 5 अगस्त का ये नोटिस है, ये हमने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करता हूँ ये नोटिस, ये अपडेट आपको पसंद आया होगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहा होगा और आपके लिए एक ये खुशखबरी भी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप ऐसे ही वीडियो अपडेट्स या फिर जो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स डालता हूँ मैं इस चैनल पर, उनको देखना चाहते हैं तो। और फ्रेंड्स, तो वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी अपडेट्स और अच्छी जो क्वेश्चंस और टॉपिक्स के साथ। ओके, थैंक यू।